आज हम लोग फिलहाल तो अभी साइंस सिटी में और जा रहे हैं ठाकुरपुर, और वहाँ पे एक बड़ा सा इंटरनेशनल मंदिर है जहाँ हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे और घुमाएंगे भी। आज हम भाई लोग साथ में हैं, यहाँ पे आनंद जी है, राहुल हैं, साथ में हम लोग जाएंगे और घूमेंगे, आप सभी को घुमाएंगे। फिलहाल आप लोग वीडियो में बने रहिए और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। मिलते हैं आपको, पूरा डिटेल्स दिखाया जाएगा जैसे कि हम साइंस सिटी को भाषा सीरीज आए तो हम जाएंगे जाने जाएंगे। दोस्तों करीबन 2 घंटे बस जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं डायनादर रोड। अब बस सामने है आपका स्वामी नारायण मंदिर, और फिलहाल तो मंदिर भैया बंद है, अभी 4 बजे खुलेगा। तो हम लोग क्या करें, खड़े खड़े लास्ट में हम लोगों को लग गया था भूख और हम लोग आ गए हैं बिरयानी खाने। तो भैया ये यहाँ पर बहुत बढ़िया बिरयानी का दुकान है जहाँ पर हम लोग बिरयानी खाया, आप लोग भी आके खा सकते हैं यहाँ पर आने के बाद। मैं फिलहाल आपको बिरयानी का दुकान दिखा देता हूँ और कैसे बिरयानी का वो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है वही बिरयानी का दुकान जहाँ हमने बिरयानी खाया, और भैया ने बहुत बढ़िया बिरयानी बनाया था मात्र 90 रुपीस में, 90 रुपये में बहुत बढ़िया बिरयानी था इनका। आप लोग अगर आते हैं यहाँ पे स्वामी नारायण मंदिर घूमने तो आप लोग ये भैया की दुकान से आप लोग बिरयानी खा सकते हैं। ये भैया का बहुत अच्छा बिरयानी मात्र 90 रुपीस में भैया दे रहे थे, हम लोग ने खाया और आपको वीडियो में भी दिखने को मिलेगा बिरयानी कैसा था। तो फिलहाल हम लोग बिरयानी तो खा ली है, भैया आप लोग देख लीजिए कैसा रहा बिरयानी, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर, और आगे का मंदिर का वीडियो आप लोग को देखने मिलेगा। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, थोड़ा देर मंदिर खुलने वाला है और हम लोग आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे। पहले हम लोग जाएंगे ओयो रूम, वो भी आपको दिखाते हैं, अगर कपल्स के साथ आएंगे तो ओयो रूम का ही मजा ले सकते हैं। हाँ भैया, अगर आप लोग कपल्स आते तो भैया यहाँ ओयो रूम भी है, किसी को आना है आ सकते हैं बस। दोस्तों फिलहाल अभी तक 4 तो बजा नहीं है और मंदिर खुलेगा 4 बजे, तो फिलहाल हम लोग अभी बाहर वेट कर रहे हैं। ये देखिए फिलहाल ये मंदिर बंद है, हम लोग वेट कर रहे हैं, 4 बजे का मंदिर खुलेगा, तो मंदिर चलते हैं दर्शन करते हैं और घूमते हैं। दोस्तों फिलहाल तो मंदिर खुल गया है पक्का 4 बजे, और आइए हम आप लोगों को पहले टाइमिंग दिखा दें यहाँ का, किस टाइमिंग पे यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, किस टाइमिंग पे आप लोग को सही रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए ये आरती का टाइम है, ये सुबह 7 से 7:30 से लेकर 12 बजे तक और 4 से लेकर 8 बजे तक खुलता है मंदिर। आरती का टाइम और ये पार्किंग का जो चार्जेस लगता है उसका लिस्ट है आप लोग देख सकते हैं। और चलिए अब हम लोग जाते हैं मंदिर के अंदर की तरफ और आप लोग को पूरा मंदिर घुमाते हैं। दोस्तों हम लोग अंदर आ गए हैं, फिलहाल आप लोग देख सकते हैं
और बहुत 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 अच्छा यहाँ का नजारा है, बहुत खूबसूरती है यहाँ पे। सिर्फ मार्बल का काम किया हुआ है और टाइल्स का काम किया हुआ, पूरा चमकदार एकदम ब्राइट और बहुत सफ़ेद टाइल्स का काम किया हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा माता का चरण जो यहाँ पे मार्बल का बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं साइड पे, ये माता का चरण बना के रखे हैं लोग। करीबन तो अंदर में हम लोग करीबन एक घंटा से है, पर क्या बताए कि अंदर यहाँ पे वीडियो अलाउ कर ही नहीं रहे लोग, तो क्या करें, इसलिए मंदिर के अंदर वीडियो नहीं कर पाए और प्लस अंदर का व्यू आप लोग को दिखा नहीं पाए। तो भी जहाँ तक हुआ मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाने की कोशिश किया है, तो आप लोग वीडियो में देख लीजिए। और रहा कि अंदर मैंने सोने का मूर्ति भी है, सोने का सिंहासन भी है, अंदर छोटा सा सोने का मंदिर भी बना हुआ है, वो उसका वीडियो शायद हम लोग नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहाँ फोन अलाउ कर ही नहीं रहा है, ना फ़ोन ना कैमरा, क्या करें, नहीं ले जा पाए हम लोग। जो भी है दोस्तों, फिलहाल हम लोग कोशिश किए दिखाने का, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बहुत मैंने मेहनत से वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम आने का, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है यहाँ पे अंदर का व्यू, मैं बोल के नहीं आपको बयां कर सकता हूँ क्योंकि इतना खूबसूरत है। कोशिश कीजिए आप लोग यहाँ आने का और थोड़ा सा आके देखिए, घूमिए, बहुत खूबसूरत एरिया है। इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आप लोग यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हैं, ज़्यादा दूरी पे है नहीं, ये डायवन हरवा रोड में जोका के पास में मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे जोका से है। आप लोग यहाँ पे आइए, आके मंदिर घूमिए, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है ये मंदिर। और उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे राधे कृष्ण के दर्शन भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है आने में, मात्र 200 से 300 रुपये में आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जा भी सकते हैं। आप खाना पीना उसी बस में हो जाएगा क्योंकि मात्र 20-30 रुपये बस भाड़ा लगता है, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई मंदिर में ढूंढने के लिए एंट्री फीस नहीं लगता है। आप लोग आइए यहाँ पे घूमने।